एमसेट के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ यानी पीजीआई चंडीगढ़ के नाम से जिसे हम शॉर्ट में जानते हैं के एडमिशन के बारे में। तो अगर आप बीपीएच या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। कुछ बातें जान लेते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में। तो पीजीआई चंडीगढ़ 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका कैंपस एरिया 270 एकड़ है, जिसमें टोटल 581 फैकल्टी है। तो अप्लाई करने के कुछ इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। तो स्टार्ट जो हुआ था फॉर्म 1/6/2021 यानी इसी महीने में स्टार्ट हुआ था, और 2/7/2021 यानी 2 जुलाई को ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप एडिटिंग अगर आपका फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या फिर गड़बड़ी आपने कर दी तो उसका एडिट करने का जो विंडो ओपन होगा 2 तारीख से 7 तारीख तक, यानी 5 दिन का टोटल आपको गैप मिलेगा। इसके बीच में अगर आपने गलती कोई किया है फॉर्म में तो आप एडिट कर सकते हैं उसे। बात करते हैं सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 10/8/2021 को होगा। और जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट निकलने की सीबीटी की वो है 17/8/2021। जो डेट ऑफ सबमिशन है 10, मतलब अगर आपने जो सीबीटी होता है अगर आपने उसे क्लियर कर लिया तो आपको जो अपना 10 और 12 का जो मार्कशीट है 19/8/2021 को आपको जमा करना होगा। वहीं फर्स्ट काउंसलिंग जो अगर आप कराते हैं स्टार्ट होगी पीआई चंडीगढ़ ऑफिस, जहाँ पर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा खुद 24/8/2021 से। एप्लीकेशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं। जनरल ओबीसी और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वालों को 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, एससी एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस लिमिट से बाहर है, मींस आपको फी पेमेंट करने की भी रुपये ज़रूरत नहीं है, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट है टोटली ऑनलाइन है, जैसे आप फॉर्म फिलअप पूरा कर लेते हैं लास्ट में आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू वो पेमेंट करना है। कॉलेज की टाइप और रेटिंग की बात करें तो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी रेटिंग की बात करें तो कॉलेज दुनिया .com पे से 8/10, वहीं शिक्षा.com पे से 4.9/5। निर्फ रैंकिंग की बात करें तो है सेकंड, जो 3 साल से लगातार बना आ रहा है। और निर्फ यानी एम्स दिल्ली के बाद से अगर कोई इंडिया में बेस्ट कोई कॉलेज है दूसरे नंबर पे तो वह है पीजीआई चंडीगढ़। तो यहां से अगर आप करके कोई सा कोर्स निकलते हैं तो आपके लिए काफ़ी गौरव की बात होने वाली है। ईयर ऑफ स्टार्टिंग, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारे चैनल बैचलर्स बीएसएलपी और एमएससी एलपी वालों को ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर बीएसएलपी और एमएसएलपी कब से स्टार्ट हुआ था इस पीजीआई चंडीगढ़ में। तो बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी बीएसएलपी 2004 से पीजीआई चंडीगढ़ में चलता आ रहा है। वहीं मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी एमएसएलपी 2007 से चलता आ रहा है अब तक। लिस्ट ऑफ कोर्स एंड ड्यूरेशन एंड एज लिमिट तो आपके सामने रखा पड़ा है, पूरा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ में ये सारे जो अपने इमेजेस और डेटा देखिए अपने स्क्रीन पे वो प्रोस्पेक्टस का ही है, तो अगर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो फ्लायर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, अप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बीएसएलपी की बात करते हैं तो टोटल 8 सीट है, जिसमें 4 जनरल के लिए, 2 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं वाकई या बीएसएलपी करना चाहते हैं या फिर कोई सा भी इसमें से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना मस्ट रिक्वायर्ड है। जब तक आप फॉर्म नहीं भरते हैं तब तक आप एडमिशन के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या जो भी इंस्ट्रक्शन है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।